हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं कैसे बोल रहा, मैं भी तू और ब्लॉग बोल। अच्छा, हमको सिखा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो भाई, पिछली वीडियो पे व्यू अच्छे आए हैं, तो आप सब ऐसी सपोर्ट करते रहो, चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। ये बात आज मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया। थैंक यू सारे भाइयों को, हाँ, बहनों को। तो आज का टॉपिक है हमारा बैचलर्स और मास्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम दोनों किस चीज पे हैं। हम दोनों बैचलर्स पे हैं। ठीक है, तो हम दोनों बैचलर्स पे हैं और हमारी क्या हालत है ये हमारी शक्लों से पता चल ही रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बैचलर्स को पकड़ते हैं, मिक्सअप नहीं करेंगे। तो बैचलर्स है यूके के अंदर 3 साल की, और फिर एक वो कौन सा ईयर लगा तेरे दोस्त का जिसकी 4 साल की भी होती है, एक किसी की, इसका दोस्त किसी की 3 साल की। हाँ, उसका फाउंडेशन ईयर, फाउंडेशन ईयर लगा उसकी 4 साल की है। तो उसमें उसका क्या है, 3 साल की बैचलर्स के बाद उसको 1 साल और देना है, उसको फाउंडेशन ईयर बोला। हमें भी अभी पता चली ये बात किसी को तो लास्ट में देना पड़ता है फाउंडेशन ईयर, किसी को पहले देना पड़ता है। जैसे उसको पहले देना पड़ रहा, उसके बाद उसकी बैचलर स्टार्ट होगी। सॉरी, तो अपनी अपनी मर्जी से आते हैं सब। तो मेन है यहाँ पे 3 साल की होती है, जैसे कनाडा में 2 साल की होती है, तो यहाँ पे 3 साल की है। तो मेरी है साल की फीस अभी स्कॉलरशिप काट के 14 लाख। तेरी? मेरी है साल की फीस अभी स्कॉलरशिप काट के 13.5 लाख। 13.5, और हमें नेक्स्ट ईयर फीस भरनी है। मुझे भी 17 भरनी है और इसे भी 17 भरनी है। अभी इसे स्कॉलरशिप 500 पाउंड की थोड़ी मिली थी, तो इसकी अब 13.5, मेरी 14। फिर अब हमें अगले साल 17 देनी है, और फिर उससे अगले साल भी 17 देनी है। तो अब हम बात करेंगे कि अब बैचलर्स में क्या क्या करके, मतलब कौन कौन से कोर्सेज हैं और हम कौन से कोर्सेज में हैं। तो यहाँ पे बैचलर्स में मेरी है BSc इन बिजनेस मैनेजमेंट। मेरी भी सेम है बिजनेस एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बैचलर्स में यही है BA BSc, यही चीजें कोर्स है। मतलब यहाँ पे ज्यादा ना बिजनेस के कोर्सेज हैं, बिजनेस के ज्यादा कोर्सेज। वैसे IT के भी हैं, सारे हैं, बट बिजनेस के ज्यादा कोर्सेज हैं। अब ये थोड़ा इस चीज पे हो जाता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो। अब मेरे वाले, मैं था कॉमर्स स्ट्रीम से 12th पास आउट, तो मेरे को बिजनेस का कोर्स मिला। ओके, इसका भी बिजनेस का है, बट इसकी 12th मेरी 12th नॉन मेडिकल, इसकी नॉन मेडिकल से है। तो इसका तो बिल्कुल सारा बेस वगैरह सब कुछ ही सारा अलग है, बट क्या करे, करना अब आ गया। तो अपना पहले से ही ये चीजें कर लिया करो, एजेंट को एक बार बोल दिया करो कि भाई ऐसे नहीं है कि भेजना तो किसी भी कोर्स में भेज दे, वो आपको बता दे। एक बार उसे पूछ लिया करो क्या चीज है क्या नहीं। और बैचलर्स की जो फीस है लगभग यहाँ पे जो है लंदन के अंदर 9 लाख से शुरू है और 20 लाख तक है साल की, वो आपके ऊपर है। ये जो 20 लाख वाली फीस है, ये बैचलर्स की वो यूनिवर्सिटीज हैं जो बिना आइल्स बिना PT के बुला लेती हैं, तभी इसमें खर्चा ज्यादा आता है। और सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी बैचलर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड है, बहुत मतलब टॉप की यूनिवर्सिटी है वो, बट उसकी फीस ज्यादा है। फीस बहुत ज्यादा है, बहुत यूनिवर्सिटीज हैं। कुछ जैसे अब जो नॉन मेडिकल वाले होते हैं या जो साइंस वाले होते हैं मेनली, वो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में ही लेते हैं। उसका नाम आज का नहीं चल रहा, लंदन की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, टॉप 10 यूनिवर्सिटी में। अब जो हमारी यूनिवर्सिटी है UCA, वो 7th रैंक पे है पूरे UK के अंदर। और बैचलर्स के लिए अगर आपको सिर्फ ये है ना कि बहुत लो फीस वाली चाहिए, जो मैंने कहा 9 लाख से शुरू हो जाती है, तो है BPP यूनिवर्सिटी, वो बेस्ट है। आप अगर किसी को बैचलर्स करने आना तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस BPP यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उसकी सिर्फ 9 लाख फीस है साल की, सही है, निकल जाती है फीस साल की 9 लाख कहीं भी आओ। बट ये है कि बैचलर्स के लिए अगर आना है तो BPP यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है, यहाँ पे सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है वो बैचलर्स के लिए। और दूसरी बात है अब मास्टर्स UK के अंदर सिर्फ 1 साल की है। अगर आप UK आना चाहते हो और आपको लगता है कि भाई मैंने बाहर जाना है और रहना है, वहाँ पे सेटल होना सब करना है, तो आप मास्टर्स के लिए आओ, बैचलर्स के लिए मत आओ। सीधी सी बात है, बैचलर्स के लिए मत आओ, क्योंकि बहुत तंग होगे, फीस नहीं जुड़ेगी, फिर आप लोग परेशान होगे। इससे अच्छा मास्टर्स के लिए आओ। जुड़ जाती है, बट फीस वही 7 के 7 दिन काम करना पड़ता है, बट फिर उसका वो होता नहीं, क्योंकि आपको कॉलेज लगाना या यूनिवर्सिटी लगानी जरूरी है। अब हमारी 3 दिन यूनिवर्सिटी है हफ्ते में, तो हमें जाना पड़ता है, उसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टडी नहीं करोगे तो फिर आपका ना NI पे काम मिलेगा, ना मतलब कैश पे करोगे, उस चीज़ का फायदा नहीं है। मतलब सही बात है कि लीगल रहो, लीगल सही है, बट फिर वही बात है, फीस नहीं जुड़ती, तो प्रेफरेंस मास्टर को दो, बैचलर्स को कम। तो मास्टर्स का क्या है, मास्टर्स UK में 1 साल की है और मास्टर्स की फीस लगभग आपकी ये लगा लो 10,000 पाउंड से शुरू हो जाती है
25,000 पाउंड भी है, 35,000 पाउंड भी है, साल की 35 लाख फीस भी हाँ है। कई कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत कोर्स है, आईटी का कोर्स है, हॉस्पिटैलिटी का कोर्स है, मैनेजमेंट का कोर्स है, बिजनेस के कोर्सेज हैं, आपकी एमएससी है, एमए है, बहुत मतलब एमबीए भी होती है यहाँ पे, सारे कोर्सेज मतलब नेम सेम होते हैं इंडिया की तरह, जैसे वहाँ पे जो डिग्रीज है यहाँ पे भी सेम है, बैचलर्स की भी मास्टर्स की भी डिग्रीज ऐसी, जैसे जिसमें वहाँ ज़्यादा फीस है अपने इंडिया में, यहाँ पे भी उसकी ज़्यादा फीस होगी। जैसे आप अगर एमबीए लेके आ रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा उसकी, आपको खुद पता है, सभी को पता है, और यहाँ पे कम है यहाँ, लेकिन ये है मास्टर्स में आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, एक साल की कोर्स होता है, एक बारी फीस भरनी है ना तो बंदा कैसे तैसे कहते घर से मंगा के कैसे कर लो, भर दो, भर देता है, क्योंकि एक ही साल भरनी होती है। और ये बैचलर्स में आप कब तक फीस भरते रहोगे, हर 3 महीने बाद मेल आ जाएगी, फीस भरो फीस भरो। तो बैचलर्स को प्रेफर मत दो, मास्टर्स को दो। और दूसरी बात है, मास्टर्स के अंदर कोर्सेज है, एमएससी है, कंप्यूटर साइंस में है आपका, ये एमबीए है, बहुत एमए है, बहुत कोर्सेज हैं। और मास्टर्स का भी आप अपनी बैचलर्स से रिलेटेड ही लेके आना कोर्स यहाँ पे। हाँ, चेंज मत करना, फील्ड मत चेंज करना, वरना परेशान होगे। क्योंकि अगर आप आगे वर्क परमिट डालोगे ना तो उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए उसी के अंडर, जैसे आप मास्टर्स कर रहे हैं ना, तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी बहुत। इस करके पहले बता रहे हम भी, चेंज मत करना, आप जिस से आपकी बैचलर्स है, आपकी ट्वेल्थ है, उसी से आगे मास्टर्स लेके आना। ये नहीं है भी एजेंट कर देते हैं चेंज, एजेंट ये बोलते हैं आपको क्या लेना, आपको जाने से मतलब है, बट चेंज मत करना, आप पहले सर्च करके फिर आना, ऐसे नहीं आना मतलब बिना सर्च किए। वेदर किस हिसाब से चेंज हो रहा है, 1 मिनट में धूप आ रही है, 1 मिनट में जा रही है, वेदर तो यहाँ पे ऐसी है। तो दूसरी बात है, बैचलर्स के लिए अगर आ रही हो तो कम फीस वाली यूनिवर्सिटी लेकर आओ। और अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब आप आ रहे हो बैचलर्स के लिए, तो बैचलर्स के लिए आपको क्या चाहिए, अपनी 10th की DMC, 12th की DMC, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपके पास 12th की DMC है, एक LOR डॉक्यूमेंट होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो आपके स्कूल से, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी को चाहिए होता है सिर्फ UK में, वरना कईयों को नहीं चाहिए होता। बाकी आपको और उसके अलावा कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती। कई बार एजेंट मांग लेते हैं MOR चाहिए, स्कूल से ही मिलता है वो भी MOR, LOR, वो वैसे आप निकलवा के रखना, क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज वो प्रेफर करती हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है भी आपकी इंग्लिश टीचर के साइन होते हैं उसमें, भी आपकी इंग्लिश आपके स्कूल में से ही थी, मतलब LOR MOR इस टाइप से, मतलब उनकी रिकमेंडेशन उनको चाहिए होती है, रेफरेंस लगा लो कि भाई आप पीछे पढ़ के ही आ रहे हो ना, कोई नकली तो नहीं है आपके कागज ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में बैचलर्स के लिए ही और क्या क्या, अगर आपका है गैप, जैसे आपने 12th की, आप सोच रहे हो 12th की ही DMC बोली थी, वही चाहिए और नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका गैप कई बार एजेंट कर देते हैं कवर, वो पेमेंट वगैरह लेके डिप्लोमा बनवा देते हैं कुछ भी, या आपने कुछ और कर रखा होता है तो गैप, लेकिन आपको कवर करना है। कोई कहता है ना मैं आपका 10 साल का गैप कवर कर दूंगा, कोई एजेंट बोलता है, ऐसा नहीं होता कि वो पागल बना रहा है, झूठ बोल रहा है, वो कर देते हैं, लेकिन वो उसमें आपका आधा वर्क लगा देंगे, आधा आपका वो डिप्लोमा लगा देते हैं, कुछ ना कुछ स्टडी लगा देते हैं, सब कर देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, उसकी फिर सारी तैयारी आपको इंटरव्यू में करनी है कि मैंने अपना ये लगाया था, मेरे डॉक्यूमेंट्स में डिप्लोमा लगा हुआ है, क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात, आप मेरी बात सुनो, 2 या 3 साल का गैप कोई ज्यादा नहीं है यूके के लिए। मेरा था, मेरी 2020 में प्लस टू है, मैं 2022 में आया यहाँ पे, मेरा कोई गैप का कोई नीडल मेरे एजेंट ने कुछ नहीं लगा रखा, मेरा गैप ही शो किया हुआ था मेरी फाइलिंग में, कोई नहीं लगा रखा था। अगर मैंने जो इंटरव्यू दिए उसमें भी मैंने जो क्वेश्चन तैयार कर रखे थे वो भी मैंने थोड़ा सा मैंने कुछ किया था, पेपर से दिए थे मैंने, जो मतलब आईआईटी के होते हैं पेपर, वो दिए जेई मीन्स वगैरह के, मैंने वो बोल लेती, मैंने 6-7 महीने वो उसकी प्रिपरेशन की है, वो पेपर दिया मेरे वो क्लियर नहीं हुए, ऐसे ऐसे बात है। 2-3 साल का हो जाता है, पर उसके ऊपर गैप है तब आप बोलना एजेंट, वैसे एजेंट अपने आप ही बता देते हैं कवर कर लेते हैं, वो लगेगी या नहीं लगेगी वो एजेंट के ऊपर बात होती है। अब बात करते हैं मास्टर्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपके 12th के बाद आपने जो बैचलर्स की, वो मास्टर्स में ज्यादा भी गैप कवर कर देते हैं एजेंट, मतलब बहुत बैठे हैं, 12-12 साल का गैप कवर हुए हुए लोग हमें यहाँ मिल रहे हैं कि मास्टर्स के लिए आए, 12-12 साल का गैप था, वो कवर किया है, किसी ने वर्क एक्सपीरियंस लगा दिया घर बैठे थे तब भी, क्योंकि आप प्लस टू के बाद आप कोई एक्सपीरियंस नहीं बना सकते वर्क का, बट आपकी बैचलर्स है तो आप कुछ भी एक्सपीरियंस बना सकते हो वर्क का, किसी भी कंपनी में काम किया। अब अगर आप प्लस टू के बाद लगाओगे
तो ये पूछेंगे भी आप ऐसा आपने प्लस टू ऐसे किस चीज से कर ली है अगर आप इतना अच्छा वर्क कर रहे हो। इस करके मास्टर बैचलर्स के बाद गैप क्लियर हो जाता है, 6 साल का 7 साल का 8 साल का भी हो जाता है, बट वो आपके एजेंट के ऊपर डिपेंड है वो कैसे करते हैं। बट फेक वर्क ना लगाना, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग होगी आपसे भी क्या वर्क है, क्या है, कैसे आपने किया, क्या गैप था, कितनी आपकी पे थी, सारा कुछ होगा उसमें। इस करके थोड़ा देख के समझ के सर्च करके लगवाना। और मास्टर्स के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे। मतलब मेन बात मुद्दा एट लास्ट यही आता है कि बैचलर्स के लिए आएँ या मास्टर्स के लिए आएँ, तो मास्टर्स के लिए आओ। बैचलर्स के लिए आओगे तो फंस जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। मास्टर्स के लिए आओ, बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो यही है BPP यूनिवर्सिटी जो हमें सुनने को मिलता है। यहाँ पे मोस्टली हमें बच्चे उसी के मिलते हैं, BPP यूनिवर्सिटी के, या फिर किसी और यूनिवर्सिटीज़ तो और भी हैं, कोवेंट्री में भी यूनिवर्सिटी है, बर्मिंगम में भी यूनिवर्सिटी है। मेरा खुद द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का आया था ऑफर लेटर, देन मेरा UCA का आया था। मेरा भी 4-5 यूनिवर्सिटीज़ का आया था, ब्लूसबेरी का आया था, मेरा UCA का आया था मेरा। तो इसने तो BPP का इसका इंटरव्यू था UCA के इंटरव्यू के 2 दिन बाद, लेकिन इसका UCA का हो गया था, इसका UCA का ही हो गया था क्लियर, तो इसने BPP की नहीं। अब पछताता है ये, क्या भाई BPP में आना था। तो यही है अपना फी स्ट्रक्चर ऐसे ही है इसका, और वो 1 साल की है। मास्टर्स के लिए यहाँ पे सिर्फ वीक में 2 दिन क्लासेस होती हैं, और बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो वीक में 3 दिन क्लासेस होती हैं। UCA के अंदर जो बैचलर्स के लिए इन फ्यूचर आ रहे हैं, जिनके मुझे कमेंट आ रहे हैं कि भाई मैं UCA में ही आ रहा हूँ, जैन इनटेक है मेरा एक्सेट्रा, तो फिर उनका क्या है भाई, मंडे ट्यूसडे और थर्सडे क्लास होती है, 3 दिन या 2 दिन, 4 दिन भी नहीं होती, 2 या 3 दिन ही होती है। हमारी जैसे अब पिछले महीने हमारी 3 दिन थी, इस महीने से हमारी 2 दिन हो जाएगी क्लास। ऐसे है, ये खुद टाइम टेबल चेंज करते हैं, बट या 2 या 3 दिन ही होती है, ज्यादा दिन नहीं होती। और अब बात थोड़ी बहुत करते हैं वर्क की, तो वर्क का क्या होता है, जब आपकी यूनिवर्सिटी टर्म्स चल रही है तब आप 20 घंटे वीक में काम कर सकते हो, और जब आपकी वो खत्म हो जाती है तो आप फुल टाइम काम कर सकते हो। जैसे अब हॉलीडे होंगी यहाँ पे 16th of November से यहाँ पे हॉलीडे होंगी जो आपकी 11 क्रिसमस वगैरह की, तो उसमें हम फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, हमें बिल्कुल राइट है। बट अब हम सिर्फ 20 घंटे लीगल काम कर सकते हैं यहाँ पे। और एक बात और, अगर आप बैचलर्स में आ रहे हो, आपको आना है, तो पीछे से अपनी पैसों की तैयारी करवा के आना, क्या भाई पैसे रखना, कभी भी फीस मांग लेते हैं इनका कोई मसला नहीं। और कुछ हमें अभी 1 महीना हुआ, हमें अगली फीस का नोटिस आ गया भाई, अगली फीस भरो, पे करो अगली फीस। तो इस करके यहाँ ये नहीं सोच के आना, मैं भी सोच के आता, मैंने 10 महीने की फीस भर रखी है, छेड़ने के नहीं 10 महीने, आप आराम से काम करो, कोई चक्कर नहीं, मैंने 10 महीने की पे कर रखी है। बट फिर भी उन्होंने मेरे को नोटिस भेज दिया भी आप जनवरी तक अपनी सारी फीस क्लियर करो, ये कोई रोल नहीं है भी आप जब तक की फीस भर के आए तब तक ही वो आपको छेड़ेंगे नहीं, वो साथ ही नोटिस भेज देते। इसलिए अपनी फीस की प्रिपरेशन पहले से करके आओ, पहले साल की, आगे की चलो आप जब सेट हो जाओगे तो कर लोगे, बट पहले साल की अपनी पहले से ही करके आओ प्रिपरेशन, ये बात है। और बैचलर्स के लिए भी आ रहे हो तो अपने एजेंट को स्ट्रिक्ट कर देना कि भाई हमें फाउंडेशन ईयर नहीं चाहिए, 3 साल की ही लेके आओ, क्यों जरूरी बर्डन पाना है 4 साल की लेके आनी है। फिर 4 साल के बाद आप वर्क लोगे तब भी उतने टाइम का मिलना है, 3 साल के बाद लोगे तब भी उतने टाइम का मिलना है, तो फीस क्यों भरनी 4th साल की बिन मतलब की फालतू, डिग्री तो वैसे ही मिलनी है और वैसे ही मिलनी है। तो अपना बैचलर्स के लिए आओ या मास्टर्स के लिए आओ, अपना माइंड प्रिपेयर करके आओ, फीस भी भरनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा आपको, लेकिन बेटर मास्टर्स है उससे, और सबसे बेटर है स्पाउस, उसके लिए अलग से ही पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी, वो एक वीडियो में कवर अप नहीं होगा। ओके, तो वो नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं उस पे, या एक आधी वीडियो कोई और चीज की बना के फिर बनाएंगे। बस ये बात है, प्रेफरेंस हम मास्टर्स को दे रहे हैं, बट बल्कि हम बैचलर्स में आए हैं, मास्टर्स में नहीं आए हम, बट हम प्रेफरेंस मास्टर को दे रहे हैं क्योंकि मास्टर बेटर है बैचलर्स से, क्योंकि वो सिर्फ 1 साल की है UK में और बैचलर्स 3 साल की है। अब आप खुद समझदार हो कि आपने 1 साल फीस भरनी है या 3 साल फीस भरनी है, इसलिए अपनी बैचलर्स इंडिया में ही करके आओ, या पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, जहाँ से भी जिस भी कंट्री से आप लोग आ रहे हो, अपनी बैचलर्स वहीं से करके आओ और मास्टर्स का कोर्स लेके यहाँ पे आओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू, लाइक कर देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ओके, बाय बाय बाय।